जैसा कि मेरे भैया आप देख सकते हैं, हमने मोटर कंप्लीट फिटिंग कर ली है। तो अभी जो है हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको उसके कंपेयर वगैरह भी चेक करवाएंगे। आप ये चेक कर सकते हैं, ये 101 की मोटर है। तो अभी इसे चला के इसके कंपेयर वगैरह भी आपको चेक करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मोटर चल रही है। ये मोटर जो है हमारे 2.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर ले रही है, समझो 2.5 एम्पेयर मोटर ये ले रही है इस्तेमाल लोड। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 2.5 एम्पेयर मोटर ले रही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करंट है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी मोटर चल रही है। तो मेरे भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त पहुँचता रहे। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब खैर खरीद से होंगे मेरे भाई। आज जो हम डिज़ाइन करेंगे, ये 101 का स्टेटर है, तो 3 इंच का 101 का स्टेटर है मजैल का। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने इसका साइज़ बना लिया है। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, इसका साइज़ जो आपने परफेक्ट रखना है। और दूसरी बात है, इस साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, साइज़ जो बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं, साइज़ जो आपका सेम परफेक्ट है। ये देख सकते हैं पेपरों के अंदर अंदर, जब आप साइड इसके ऊपर डालेंगे तो आपका बड़ी ही सफाई के साथ जो इसका साइड डालेंगे। अभी जो साइड है फर्मे के ऊपर एडजस्ट करके आपको साइड बना के इंशाल्लाह दिखाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, मेरे भाइयों आप देख सकते हैं, जो इसका हमने फार्मूला इसके अंदर इंस्टॉल करना है, तार नंबर तो सारा कुछ हमने इसके ऊपर लिख दिया। तार नंबर जो है 22 है, इसमें जो पिच है 8, 10, 12 और स्टार्टिंग रनिंग की जो टर्न है 40, 41, 42 स्टार्टिंग की जो टर्न है 43, 44, 45। आप देख सकते हैं वायर नंबर दोनों 22 हैं और स्टेटर 3 इंच है। ये सारा कुछ हमने इसके ऊपर लिख दिया है। ठीक है मेरे भाइयों, तो अभी हम ये फर्मे के ऊपर साइज एडजस्ट कर लिया मशीन के ऊपर, तो अभी इसको सेट बनाएंगे। सेट बना के इंस्टॉल करने का तरीका भी भाइयों को लाजमी ज़रूर बताऊंगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये आप चेक कर सकते हैं स्टेटर इसका। अभी हम इसके ऊपर सेट बनाएंगे क्वेल के ऊपर, 22 नंबर वायर है। ये मोटर क्रॉस हो गई थी जिसकी वजह से ये लोड नहीं उठा रही थी, तो हमने खाली की, अभी खाली करके न्यू वैंड कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं पहले हमने इसका साइज़ बनाया, अब हम इसका सेट तैयार कर रहे हैं। अभी आप ये सेट तैयार करने के बाद भाई आपको मुकम्मल तौर पर इसको इंस्टॉल करने का तरीका कार भी बताएंगे। तो अभी बस ये वाला हमारा, ये हमारा पहला सेट कंप्लीट तैयार हो गया। तो बस अभी आप हमारे साथ रहिएगा, आपको इस सेट को इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका बताएँगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे भाइयों। आप देख सकते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको सेट इंस्टॉल करने का तरीका। बहुत सारे भाई होते हैं जिन्हें समझ नहीं आती यार इसके अंदर हम किस तरह सेट इंस्टॉल करें। आप देख सकते हैं, मैं भी सेट आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ बड़ी सफाई के साथ। जो हमारा एक साइड है सेट की, वो स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल हो रही है। तो आपने पेपर की मदद से सेट को स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल करना है। और जो वायर का सिरा है सीधा इन वाला जो छोटा सिरा होता है वो अपनी साइड में पहले रखना है, उधर से आप सेट शुरू करेंगे। कुछ भाई जो होते हैं उनका हाथ उल्टा होता है, वो फ्रंट वाली साइड से शुरू करते हैं। कोशिश तो यही करें सीधी तरह सेट डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी वायर जो है पेपर की मदद से स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करूँगा। मैं कोशिश यही करता हूँ इसके अंदर जो है कोई औजार इस्तेमाल ना करूँ, तो चूँकि औजार इस्तेमाल करने से वायर जो है ज़ख्मी हो जाती है, फौरी वक्त तो मोटर चल जाती है। पानी जब मोटर में खुदा ना खासा फौरी टाइम चला जाए ना मोटर के अंदर, तो आपकी मोटर क्रॉस बहुत जल्दी हो जाती है। पानी ना भी जाए तब भी कुछ टाइम के बाद मोटर के ऊपर जब लोड पड़ता है ना, मोटर हीट अप होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल जब उतर जाता है, तारें आपस में अटैच होती हैं, उसकी वजह से मोटर क्रॉस होना शुरू हो जाती है। क्रॉस का मकसद ये होता है, मोटर जब आपकी क्रॉस हो उसे कहते हैं, जब आपके जो तारों का नॉर्मल उतर जाता है, मोटर जो आपस में तारों जैसे दो टर्नें आपस में मिल गई हैं, वो समझो एक टर्न हो जाएगी। ठीक है, जब एक टर्न होगी, समझो आपकी दो टर्नों का एक टर्न काम कर रही है, एक नहीं कर रही। इसी तरह एक के साथ दो, फिर दो से या तीन, इसी तरह टर्न आपकी ज़्यादा क्रॉस होना शुरू हो जाएंगी। मोटर वक्ती तो चलती रहती है, आस्ता आस्ता जो है ना मोटर ख़त्म होना शुरू हो जाती है, मोटर की लाइफ कम हो जाती है। अभी आपके सामने ही है, मैं कोई औजार नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये 101 का स्टेटर है, इसकी 6 इंच लंबाई है इस स्टेटर की। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई औजार नहीं अभी तक इस्तेमाल किया। सफाई से आपके सामने मैं सेट इंस्टॉल कर रहा हूँ।
आपने ये भी चीज़ नज़र रखनी है, दूसरी साइड से आपने नज़र रखनी है ताकि आपका जो सेट आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर वो ज़ख्मी तो नहीं हो रहा, यह चीज़ भी आपने फोकस करनी है और मद्देनज़र रखनी है। और आप ये चेक कर सकते हैं, अभी ये सिरा मैंने साइड से इसको सेट को थोड़ा सा प्रेस किया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह ही मैं सेट को प्रेस करूँगा ताकि दोनों साइडों से सेट जो है बराबर प्रेस हो। ठीक है, जब दोनों साइडों से सेट बराबर होगा तो जब आप ऊपर इसके ऊपर सेट डालेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई परेशानी का बाइस नहीं बनेगा। अभी आप देख सकते हैं मैं इस साइड से सेट को प्रेस कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक कॉइल इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, अभी दूसरा कॉइल है जी। आप चेक कर सकते हैं जब आपने तारें इंस्टॉल करनी है तो इस तरह तारें इंस्टॉल करनी है, क्यों इसके अंदर गुंजाइश बहुत कम हो चुकी है। अगर आप कच्ची तारें घुसेड़ेंगे तो इंस्टॉल इसके अंदर डालेंगे तो वायर ज़ख्मी हो जाती है, जब वायर ज़ख्मी होगी तो आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। ये आप देख सकते हैं इसके जो अंदर दूसरा सेट का हमने इन वाला सिरा इंस्टॉल कर लिया। टोटल 5 से 7 मिनट में हमारा जो एक सेट है इसके अंदर इंस्टॉल होता है, 20 से 25 मिनट में हमारी जो ये मोटर है ना वो रेडी हो जाती है। तो जिस जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ ये इस तरीके से आप बनाए तो 20 से 25 मिनट में आपकी मोटर जो है रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी वायर जो है स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करता हूँ ताकि हमारी जो वायर है ज़ख्मी भी ना हो और स्लॉट के अंदर भी इंस्टॉल हो जाए। तो यही चीज़ें अपनी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी है तो आप मोटर अपनी खुद रिवाइंड करेंगे, आपके लिए कोई टेंशन परेशानी मसला परेशानी नहीं होगी। आपने ये इस साइड से भी चीज़ साइड मद्देनज़र रखनी है ताकि आपकी जो वायर है वो स्लॉट के अंदर से बाहर तो नहीं जा रही। तो ये आप चीज़ चेक कर, ये आपने बहुत इसका खास ख्याल रखना है। अगर आपको कोई चीज़ इस्तेमाल करनी भी पड़े तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। आपके पास कोई सा भी औजार हो जो इसके अंदर आपको समझ नहीं लग रही तार आपने इंस्टॉल करनी है, कोई भी स्केल ले लें या कोई लकड़ी का पीस ले लें, उसकी मदद से आपने इसके अंदर जो है ये आप चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल प्यार से इसके अंदर इंस्टॉल इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमारी वायर ज़ख्मी ना हो। और ये देख सकते हैं दोनों साइडों से गुलाई में ताकि हमारी जो वायर है वो ज़ख्मी ना हो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसकी मदद से हमारी जो मोटर है, क्योंकि इसके अंदर हम हाथ तो ले कर जा नहीं सकते, जिसकी मदद से मैं बहुत कम औजार इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मैं मज़ैल रिवाइंड करता हूँ तो मैं कोशिश से कम यही करता हूँ इसके अंदर कोई भी ऐसा औजार ना इस्तेमाल करूँ जिसकी मदद से ये मोटर जो हमारी ज़ख्मी होने और शॉर्ट होने का ख़तरा होता है जिसका। क्योंकि मेरे भाई ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो आपने फॉलो करनी है जिसकी मदद से आप अपनी मज़ैल मोटर खुद रिवाइंड करेंगे। ठीक है ना, अभी आप देख सकते हैं मैंने सेट जो मैं इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ उनके जो सेट हैं सिरे हैं वो ज्वाइन मैं नहीं लगाता इसके कनेक्शन का, बाजू का किसी मोटर में लगा भी लेता हूँ ज़्यादातर मैं एक ही सेट दो बनाता हूँ कनेक्शन अंदर ही कर देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम की बचत हो सके। ये आप देख सकते हैं मैं पेपर की मदद से जो स्लॉट के अंदर वायर जो है हमने इंस्टॉल कर ली। आप चेक कर सकते हैं हमारा जो सेट है बिल्कुल इजी हो गया है इसके अंदर, मैं पेपर की मदद से जो तारें वो स्लॉट के अंदर, और कोशिश करनी है सफाई से अपने मोटर बनानी है ताकि जो भी बंदा देखे वो बोले अच्छी बनी हुई है। पहली बार आपसे मोटर जब भी आप बनाएंगे थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, खैर
फिर जैसे जैसे आपका हाथ चलेगा तो मोटर सफाई के साथ आपकी बल्ला शुरू होगी। और आप भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। जब आप देखें तारें नहीं इसके अंदर इंस्टॉल हो रही, आपने थोड़ी थोड़ी सी वायर्स इसके अंदर इस तरह इसकी इसी तरह ना इंस्टॉल करनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने जो कुछ वायर्स रह गई हैं हमारी, वो फिर पेपर को बाहर निकालूंगा टेस्टर की मदद से। ये आप चेक कर सकते हैं, आराम से पेपर को बाहर निकाला, ये आप देख सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं पेपर में किस तरह कितनी सफाई के साथ इसके अंदर पेपर जो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो आपने फॉलो करनी है तो मोटर आपको रिवाइंड करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो सेट है तीसरा, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है और बड़ी ही सफाई के साथ जो हमारे सेट है इसके अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं। हमारा सेट जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और आपने प्रेसिंग पे भी बड़ा फोकस करना है, प्रेस आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपकी जब देखें मैंने सेट डाला है प्रेस भी बड़ी सफाई से की है ताकि हमारी मोटर जब भी बाद में कोई मसला परेशानी ना हो। अगर आपकी प्रेस ना सही हुई होगी जब आप डबल सेट डालेंगे उस टाइम आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का मसला बाइस बनेगी क्योंकि क्रॉस पेपर नहीं रखने होगा। दूसरी बात है आपसे डबल सेट नहीं डलेगा, आप जब सही प्रेस नहीं करेंगे तो आपके जो डबल सेट है उसके ऊपर डलने स्टार्टिंग के वो नहीं डलेंगे, तंग डल तो जाएंगे तंग होगा बोलिए, उस टाइम प्रेस करेंगे तो सही सफाई से प्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम दूसरा सेट डालेंगे, दूसरा सेट डाल के इंशाल्लाह स्टार्टिंग का भी इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताएंगे। जैसा कि मेरे भैया आप देख सकते हैं हमने जो इसके अंदर सेट है वो इंस्टॉल कर दिया है, दूसरा भी इंस्टॉल कर दिया है। अभी हमने इसको इसके बताने हैं कनेक्शन आपको, इसके अंदर जो कनेक्शन हमने करने हैं वो इसके कनेक्शन है 1 से 3, जैसे हम सीरीज़ कनेक्शन अपनी ज़बान में कहते हैं। जो मैकेनिक भाई हैं वो तो समझ जाते हैं, जो भाई नए हैं तो उन्हें भी मैं समझा देता हूँ 1 से 3 कनेक्शन कौन से होते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमने स्टेटर को खड़ा कर लिया, ये हमारा एक छोटा सिरा एक इसे पकड़ लेना 1 2 3, इसे 1 से 3 कनेक्शन कहते हैं। अभी ये लीड है हमारी, ये छोटी लीड है, ये बड़ी लीड है, बड़ी लीड को पकड़ना 1, जिस जो कनेक्शन आपने अगले सेट के साथ करना है वो लीड पकड़नी है 1। ये हमारी लीड मेन के लिए निकल आई, एक लीड होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, इसमें टोटल 4 लीडें निकलती हैं 1 2 3। ये कनेक्शन इस तरह होगा, 1 इस सिरे से आपने 2 गिनना है और तीसरे सिरे पर जाके बड़े सेट को बड़े सिरे से आपने ज्वाइन कर। तो आपको मैं समझा रहा था सिर्फ कनेक्शन 1 से 3 कनेक्शन इसे कहते हैं, हम सीरीज भी अपनी इसमें कहते हैं 1 से 3 भी कहते हैं 1 2 3। ये हमारा कनेक्शन ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ज्वाइन नहीं लगाया, ये 1 से 3 कनेक्शन हमने कर दिया। तो आपने भी यही कनेक्शन इसी तरह कनेक्शन होते हैं जो सिंगल फेस मोटरें होती हैं 2800 RPM उनके, इन्हें हम 2 पोल मोटर कहते हैं। 2 पोल वो मोटर होती है जिसमें 2 कॉइल नीचे डलते हैं 2 ऊपर डलते हैं, ये 2800 RPM होती है। जो 4 पोल मोटर होती है वो 1400 चक्कर होती है 4 पोल मोटर। इसी तरह 900 जो 6 पोल मोटर है वो 900 चक्कर में आ जाती है। इसी तरह जैसे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, चक्कर कम होते जाएंगे, मोटर की ताकत बढ़ती जाएगी। हर एक मोटर का अपना कुलिया होता है, अपना हिसाब होता है, अम्पेयर और लोड के हिसाब से होता है। अभी कनेक्शन की बात कर रहे थे तो कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए, जी आप कनेक्शन फिर भी चेक कर सकते हैं 1 2 3, 1 से 3 कनेक्शन इसे कहते हैं, इसे सीरीज भी कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाइयों, अभी हम इसकी स्टार्टिंग इंस्टॉल करेंगे, स्टार्टिंग इंस्टॉल करके उसके भी कनेक्शन आपको समझाऊंगा और इसकी जो हमने कामन बनानी है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है मेरे भाइयों। जैसा कि मेरे भाइयों आप देख सकते हैं हम स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल है वो स्टार्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। आपने सेट किस तरह डालना है, अभी
ये आप देख सकते हैं इन वाली साइड जो हमारी स्लॉट के अंदर इंस्टॉल होगी थोड़ी सी रह गई है, ये पेपर की मदद से हमने जो वायर है स्लॉट के अंदर एक साइड से इन वाली साइड से इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपने इस तरह सेट को पहले थोड़ा सा खोल लेना है ताकि जब आप ऊपर वाली टर्ने डालेंगे तो सेट आपको तंग नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं आपने थोड़ी सी वायर लेनी है जो स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करनी है, पेपर की मदद से उसे आप देख सकते हैं अभी जो स्लॉट के अंदर जो हमारी वायर्स हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। आपने भी सेम इसी तरह ही वायर जो है स्लॉट के अंदर जो इंस्टॉल करनी है ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला परेशानी ना हो। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी सी वायर्स करके स्लॉट के अंदर जो इंस्टॉल कर रहा हूँ और बड़ी ही सफाई के साथ जो हमारी वायर है स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो रही है। जब ऊपर वाला साइड डालते हैं वो साइड थोड़ा सा टाइट होते हैं तो जिस वजह से थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है। आप चेक कर सकते हैं हमारा जो पेपर है इसी तरीके से स्लॉट के अंदर जो इंस्टॉल हो गया तो वायर जो सारी स्लॉट के अंदर चली गई हैं। अभी मैंने कास्टर की मदद से पेपर को ये बाहर खींच लूँगा प्लास की मदद से, ये आप चेक कर सकते हैं। आपने भी सेम यही ट्रिक्स इस्तेमाल कर रही हैं तो जिसकी मदद से आपकी जो सेट है इंस्टॉल हो जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर पहला कॉइल जो है थोड़ा मुश्किल होता है तो दूसरे कॉइल जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर वो इजीली हमारे स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाते हैं। ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है, ये हर चीज़ मैं आपको बारीकी के साथ बता रहा हूँ, आपने भी सेम यही जो तरीका इख्तियार करना है। आप एक वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मोटर के बारे में कंप्लीट जो मालूमात है वो इंशाल्लाह मिलेगी। आप इस तरीके से मोटर बनाएंगे तो सही भी बनेगी और आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं हमारी जो अभी इसके अंदर ज्वाइंट था अभी जो तार कुछ रह गई चल आ रहे इस बार इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा 6-7 आ रहे हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा साइड जो तंग कर रहा है आप देख सकते हैं हमारा भी ऊपर एक बार थोड़ा सा जगह बना ले तो फिर आगे खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है।
अभी आप देख सकते हैं दूसरा क्वाइल जो है बड़ी जल्दी हमारा जो है स्टार्ट के अंदर जो इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा जो जब स्टार्टिंग का पहला क्वाइल डलता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जगह क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो क्वाइल है थोड़ा सा टाइट हो जाता है, वो तंग करना शुरू हो जाता है। अभी आप ये आप देख सकते हैं मैंने वायर जो इसके अंदर कम्प्लीट ही समझो इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है, और ये आप जी आप देख सकते हैं इस साइड से आपने इसको ध्यान भी रखना है ताकि जो हमारा सेट है वो सही सफाई से तारें जख्मी तो नहीं कहीं से हो रही। तो वायर अभी ये स्केल की मदद से हम थोड़ी सी स्लॉट के अंदर से कर लेंगे। अगर इसके अंदर आपने कोई चीज इस्तेमाल करनी वो नुकीली चीज नहीं इस्तेमाल करनी ताकि आपकी जो वायर है वो जख्मी ना हो। ये आप देख सकते हैं हमारे दो सेट जो हैं सफाई के साथ जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो गए। अभी जो हमारा तीसरा क्वाइल है हमने रबड़ जो है वो प्रेस कर लिया ताकि हमारा जो सेट है दूसरा वाई जी ऊपर सफाई के साथ इंस्टॉल हो जाए, जिसके अंदर दो ज्वाइंट आए थे तो वो इसको टांग सोल्डिंग आयरन के साथ जो है उसको टांगे लगा लेंगे। मज़ीद आप ये चेक कर सकते हैं अभी हमारा लास्ट क्वाइल रह गया है उसका कनेक्शन जो है आगे सकते हैं साइड ये लंबे होते हैं आपने इसको प्रेस कर लेना है इस हिसाब से प्रेस करना ताकि जब आप दूसरा सेट डालेंगे इसके ऊपर तो आपका सेट जो है सही सफाई से इसके अंदर इंस्टॉल हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारे जो वायर्स हैं इसके अंदर जो इंस्टॉल हो गई हैं। आप देख सकते हैं मद्देनजर रख सकते हैं हमारा जो सेट है वो सफाई से इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। और आपने ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो जो नीचे वाली वायर्स हैं ये सेट के साथ आगे कठी ना हो, अगर कठी हो जाएंगी भाई जब क्रॉस पेपर रखेंगे तब ये वायर जो आपको तंग करेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जहन नशीन कर लेनी है। जी अभी हम इसका कनेक्शन खोलेंगे
ये आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जो वायर्स हैं, जब दूसरा सिरा डाल रहे हैं वो आपने थोड़ी थोड़ी सी वायर्स लेके इसकी मदद से स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल करनी है, ताकि आपकी वायर ज़ख्मी भी ना हो, तारें भी आपकी सफाई के साथ जो स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारी जो तारें हैं उस स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो रही हैं। ये हमारा जो अभी लास्ट कॉइल है वो इसके अंदर एक पहले सेट का लास्ट कॉइल जो इंस्टॉल हो गया वो थोड़े से ही रह गया। हर मोटर का एक अपना हिसाब होता है, एक अपना इसका पुर्जा होता है, लाजमन नहीं है हर मोटर में एक जैसा फार्मूला इंस्टॉल किया जाए। अभी ये भी 0.75 की स्टेटर है, ये जेडी का, इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अपलोड की हैं, 3 इंच की भी अपलोड की हुई है, 4 इंच की भी 1.1 की अपलोड की हुई है। तो इस मोटर में जो हम इस मोटर का हमने लोड बढ़ाया, लोड से मराद हम पैर बढ़ाए, तो जिस भाई को ना समझ आए वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई देंगे, ज़रूर आपको मालूमात इंशाल्लाह बताएंगे इसका लोड कैसे बढ़ाया जाता है मोटर में। ये जैसा कि मेरे भैया आप देख सकते हैं हमने मोटर कंप्लीट फिटिंग कर ली है, तो अभी जो है हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको इस कंपेयर वगैरह भी चेक करवाएंगे। आप ये चेक कर सकते हैं ये 1.01 की मोटर है, तो अभी इसे चला के इसके कंपेयर वगैरह भी आपको चेक करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मोटर चल रही है, ये मोटर जो है हमारे 2.5 एम्पेयर ले रही है, समझो 2.5 एम्पेयर मोटर ये ले रही है इस्तेमाल लोड, तो ये आप चेक कर सकते हैं 2.5 एम्पेयर मोटर ले रही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करंट है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी मोटर चल रही है। तो मेरे भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, बताना तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त पहुँचता रहे। ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।